मैं ना रेस्ट कर रही सी ते मैं सोचा जेडे मोदी जी ने कम किया ना 10 साल वाला सजा ट्रक ड्राइवर्स में 7 लाख जुर्माना इतने गल बैठी है। और मैं सोच रही हाँ भी नरेंद्र मोदी जी बड़ी जल्दी कोई फैसला लेके सुना तो देंगे है, तो उस ड्राइवर की सेफ्टी कितने रखी है? जो ड्राइवर्स हैं भाई वो भी तो इंसान है ना, जानवर तो ना कोई। जो ट्रक चलाते हैं वो भी इंसान ही है, उनके भी घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज है, अपने परिवार की खातिर ही कर रहे हैं ना वो लोग, अपने परिवार का पेट पालने की खातिर ही कर रहे हैं। शौक तो होगा नहीं किसी को बीच 16 16 घंटे ट्रक चलावे और बीवी बच्चों से दूर रहे। तो भाई मोदी जी अब मेरी बात सुनिए, एक सबसे जो अहम बात है ना ट्रकिंग में, अगर लॉ ही पास करना है तो CCTV कीजिए, ट्रक में कैमरा होना फ्रंट पे और बैक पे होना बहुत ज़रूरी है। ये आप पास कर देते ना सब सब ट्रक ड्राइवर थोड़े से छिक्के मारते पर लगवा लेते कैमरे, और बाद में वो कैमरे की क्या सुविधा है तब उनको समझ में आती है बातें। पर ये तो बहुत गलत किया आपने, एक्सीडेंट हो जाए चाहे ट्रक वाले की गलती है या नहीं है, हिंदुस्तान में तो बस जो गाड़ी बड़ी है ना पकड़ लो उसके ड्राइवर को, मारो पीटो, मार मार के उसका कचुम्बर निकाल दो, तो फिर ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या करेगा? कौन बंदा 100 50 100 बंदे से जुतियां खाएगा, भागेगा ना ड्राइवर। तो मोदी जी ये तो आपने बहुत गलत किया, इस बात से तो मैं कौन ही हैप्पी हूँ, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। अब मैंने एक वीडियो में बात सुनाई थी ना, मेरे कज़न मेरा मासी जी का छोरा है, उसमें हरियाणा में सिरसा शहर में उसका ट्रक चला है ब्राड ट्रांसपोर्ट, तो नया नया भाई छोरा हमारा ड्राइवर बन गया। तो वो थो राजा हरिश्चंद्र की लाद, मैं जो बोला सच बोला, मैं झूठ का साथ को नहीं दूँ। ये सिरसा शहर की बात है, जो सिरसा शहर में बस स्टैंड है ना उसके सामने उसके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। हम तो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे जब माँ बाप बात सुनाया करते थे, तो वो कहवा है छोरा कहवा मैं कौन भागू, मैं तो उधर ही खड़ी हूँ। उसके सोने की चैनी थी, पब्लिक ने पकड़ लिया भाई को, धर लिया वहीं पे, बड़े ही पिटा, चैनी भी उतार ली, अच्छी खासी निरमा सोडा लगा के धुलाई की। तो भाई को अकल आ गई बाद में, इब की बार गाड़ी ठुकी ना मैं कौन ही रुकूंगा, था मैं तो भागू। जान तो सबको प्यारी हो गया, चाहे चिड़ी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इंसान हो गया, जान तो सबको प्यारी हो गया। मोदी जी ये आपने अच्छा नहीं किया, ना ना ये बहुत माड़ा किया आपने। तो मेरा कज़न का नाम है, आप सब पूछेंगे कहानियाँ, कहानियाँ कोई नहीं बताती हूँ, जो सब फैमिली में होता है ना वही सुनाती हूँ। जसपाल सिंह बराड़, पूछ लेना जाके सिरसा शहर में कहाँ रहा जसपाल सिंह बराड़। तो वो भाई की बात याद आ गई कि भाई ने बड़ी शराफत दिखाई थी कि गाड़ी छोड़ के कौन भागूँ, तो बहुत छत्र परेड हुई थी। तो उसके बाद मेरे हैं मामे के बिछोरे हैं ट्रक चलावे हैं पंजाब में। चलो मैं तो कहती हूँ भगवान सब ट्रक ड्राइवरों को सब एक्सीडेंट से सुरक्षित रखे इनको, पर कुछ ड्राइवर हो गए हैं जो नशा पत्ता करके गाड़ी चलावे हैं, ठोक भी दवे हैं, सामने गाड़ी वाड़ी वाले गाड़ी में परिवार है मर भी सके हैं, बहुत ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। तो मोदी जी ये तो आपने बहुत गलत किया हुआ है। अब आप ऐसा कीजिए मोदी जी, CCTV रिकॉर्डर दे दीजिए और ये जो एक नई धारा उसमें ऐड कीजिए भी अगर ट्रक का एक्सीडेंट होता है ना ड्राइवर कौन ही भाग गया है, ये जिम्मेवारी मैं दूँ। पर अगर पब्लिक में से एक भी बंदा ड्राइवर को उंगल भी लगाता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उस सभी बंदों को 10 10 साल की बराबर सजा होगी। ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है भाई, इंडिया में तो खासकर डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मोदी जी, आप सोच लेना, आप मैंने तो अपना विचार बता दिया आपको।